अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बरकत भाई के यहाँ पर राजस्थान जोधपुर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं जोधपुर हमेशा आता हूँ और मैं क्योंकि मैं हर जगह जाता हूँ और मेरे कुछ लोग हैं जो काफ़ी अच्छे लोग हैं जिस पे मैं पर्सनली भरोसा कर सकता हूँ। वो लिस्ट में अगर कोई नाम सबसे ऊपर आएगा तो वो है बरकत भाई का, क्योंकि मैं इनके साथ जुड़ा हूँ लगभग 5 से 6 साल से, जब से चैनल भी नहीं था। और काफ़ी इनको सिर्फ बेचना नहीं है, इनको लोगों का फ़ायदा देखना है, ये मैं बिलीव करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बरकत भाई। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकत भाई, ये वीडियो में मैं चाह रहा हूँ कि जो नए लोग हैं ऑल ओवर इंडिया में फार्मिंग कर रहे हैं, जी जी, ट्रेनिंग लेते हैं बेचारे, फार्म खोलते हैं बंद हो जाते हैं, उनको माल सही नहीं मिलता, लोग क्या करते हैं, मंडी का खरीदा हुआ माल विदाउट मंडी में से माल खरीदते हैं। मंडी में वही माल आता है जो यहाँ से कट्टू में हम लोग बेच देते हैं जी, और ये व्यापारी लोग मंडी में ले जाते हैं। डीवॉर्मिंग नहीं, कुछ नहीं होती है। कुछ नहीं है, वो मंडी में लेके जाते हैं कट्टू में, और वो कट्टू में से छांट के देते हैं बकरे जी। वो बकरे लोग खरीद लेते हैं, तो वो बकरे अक्सर ना तो बनते हैं खाता, तो खर्चा खाने का सेम है जी, और बनते नहीं है, बीमार भी हो जाते हैं। आप वैक्सीनेशन पूरा करके देते हो? अपने यहाँ से जो चीज है कम्प्लीट करके देते हैं। कम्प्लीट करके। अच्छा, कुछ नए फार्मर्स है उनको क्या करना चाहिए जी? अगर 20, 25 या 50 बच्चे ले लिए बकरे जी, उनके साथ में उनको 10-15 फीमेल बकरियां भी रखनी चाहिए जी, ताकि उन बच्चों के बकरों के खर्चे में वो बकरियां पल जाती है जी, जो बचा हुआ खाना है वो बचा हुआ खाना है वो खा लेती है, तो उस खर्चे में वो बकरियां बड़ी हो जाती है, बच्चे दे देती है, तो वो थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है। सही बात है। बरकत भाई जी, नए फार्मर्स हैं, उनको बकरियां कितनी बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? अगर बकरियों से करें तो एक बार, अगर बिल्कुल ही नया आदमी है तो ज्यादा बड़े से नहीं करना है, 15-20 से करना है जी, ताकि उनको नॉलेज आ जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, 15-20 बकरी से नॉलेज आ जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ाना है जी। एक बार 15-20 बकरी से ही स्टार्ट करना है। और एक ब्रीडर काफी है? हाँ, एक ब्रीडर 15-20 बकरी में, 20-25 बकरी तक एक ब्रीडर काफी है। ठीक है। एंड वैक्सीनेशन वगैरह आप करके दोगे? यहाँ से एक बार करके दे देंगे, आगे के लिए उनको बता देंगे कि भाई आपको ऐसा करना है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है। रेट्स वगैरह की अगर बात करूँ? हाँ, तो रेट्स तो वो अब बकरियों के अंदर, बकरियों के किड्स चाहिए, जैसे फीमेल किड्स चाहिए, मेल किड्स चाहिए, तो वजन से बेचोगे आप कि नक से बेचोगे? नक से बेचता हूँ। आप नक से बेचते हो, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। लेकिन क्या हो ना, आज दुनिया में जैसा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, बिल्कुल लोगों को शायद वजन ज्यादा समझ में आ रहा है, पता नहीं। मैं मथुरा गया, वहाँ वजन से बेच रहे, सिरोही हो, गुजरी हो, जो भी हो, बिक भी रहा है। बॉम्बे गया, यू नो, तो आपने क्या है कॉन्सेप्ट के बारे में कभी सोचा है? अभी हमारे एरिया में अभी ये कोई रूल्स ही नहीं बना तोलने वाला। अब मैं एक नया अकेला मैं बैठ जाऊँ कि हाँ तोल के दे रहा हूँ जी, तो एक यहाँ नई बात होगी जी, कोई फर्क नहीं। अब रेट वही पड़ेगी जो तोल के लेंगे, उसी रेट में पड़ रहा है जी। आज मैं बकरा बेच रहा हूँ तो ये 350-400 रुपए किलो यहाँ पे बिक रहा है, 400-425 तक ही बिक रहा जी। अब उसको किलो में तोल के नहीं दे रहे, एवरेज वजन से दे रहे हैं। ठीक है, बात वही होती है, आप ऐसा बोल रहे हो। आखिर जाके वो वहीं पे जितने में आपने तोल में खरीदा उसी भाव में पट्टी में मिल रहा है। सही है, चलो ठीक है। पर अगर जिसको भी बकरी चाहिए, बच्चे चाहिए, आपसे कांटेक्ट कर ले। बिल्कुल। जो भी आप लोग बात कर लेना भाई, वजन से चाहिए तो आ जा, वजन कर देता हूँ। बिल्कुल, ये मैं भाव दे रहा हूँ, ये वजन चल देख ले क्या फर्क है, कर देते हैं, ऐसे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई बोले तो। ठीक, ताकि लोग उसमें ज्यादा समझ पा रहे। लोगों को यूं रहे की अपने को वजन करके लेना है, अब उसमें हल्का भारी। पहले देवनार में हम आते थे, बकरा पसंद आया तो लेते थे, आज वजन पसंद आया तो ले रहे, तो ले रहे। तो ये फर्क आया है दुनिया में, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा चेंजिंग हुआ है। और बोलते ना, चेंज इज ऑलवेज फॉर बेटरमेंट, जैसे जी जी, चेंज के साथ हमको भी चेंज हो जाना चाहिए। बिल्कुल, देखते हैं, क्योंकि लोगों का अंदाजा रहता है बम्बई में ये रुपये वजन बिक रहा है तो गाँव में थोड़ा कम रहेगा, लोग ये सोचते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी को भी बकरी, बच्चे, फीमेल, मेल, ईद में कभी भी चाहिए, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होगी, इतना माल होना चाहिए कि आपकी खुद की गाड़ी हो जाए, बस बस, बस। या तो फिर वो माल कितना भी लो, गाड़ी का भाव बता देना। हाँ हाँ, गाड़ी का भाड़ा उनका लगेगा। और मैं लोगों को एक समझा दूं एक बात, कि सिर्फ बकरे नहीं आएंगे उसमें, आप यहाँ से हरी पत्ती खरीद लो, जौ खरीद लो, यहाँ जो चीज सस्ती मिलती है, पूरी गाड़ी बन गई और ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम साफ सीधी बात है ना बरकत भाई। शुक्रिया बहुत बहुत। आपका नंबर बोल दो एक बार। 9829113717। बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आज भी काफी मजा आया।
लोगों को भी आया होगा, शुक्रिया बहुत बहुत। बरकत भाई हमारे जोधपुर के हैं, काफ़ी मज़ा आता है इनके साथ। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।